प्रणाम दीदी। नमस्ते भैया, इधर कैसे आवा होले भैया? हमरा मालूम होली दीदी कि यहाँ पर श्री विधि के नर्सरी गिरे वाला है। हाँ तो गिरे वाला तो है, चल के बता सके। हम सीखे ला लिए दीदी। हाँ तो सीख सका। चलिए भैया खेत पर बतावेंगे। ठीक है चलिए दीदी। चलिए दीदी, श्री विधि नर्सरी बेड तो सीख भाई, लेकिन एक पहले परिचय दे दे। हाँ परिचय दे रही है भैया। सभी दीदी एवं भैया का नमस्कार। हमारा नाम मुन्नी देवी है, गांव गोसाई बिघा, सूरज जीविका स्वयं सहायता समूह का सचिव हूँ और स्वामी विवेकानंद जीविका ग्राम संगठन का ऋण वापसी कमेटी का सदस्य हूँ और हरनौत प्रखंड नालंदा। हाँ भैया अपन पर्चे दे देते हैं, हम अपन पर्चे तो दे दिलिये, अब अपन पर्चे दे देते हैं। हमारा नाम ब्रिज किशोर दास, ग्राम पोस्ट तेलमर है और हरनौत प्रखंड जिला नालंदा के निवासी। नर्सरी बेड करेला दीदी कौन कौन सामान लगा है? नर्सरी बेड करेला तो सारा सामान हम ला के रख ले भैया। अच्छा ला के यही सब सामान है। हाँ ये भैया 5 किलो केचुआ खाद है। अच्छा ये केचुआ खाद है। हाँ 5 किलो। 5 किलो है। हाँ और 1 किलो अकुरिन बीज है जो कि बीज शोध कैल है। अच्छा ये शोध किया हुआ बीज। हाँ शोधन कैल बीज है। 5 फीट का ये फीता है भैया। अच्छा, और भी रहता है। हाँ फीता भी रहा है और एक कुदार भी है। अच्छा, कुदाल भी रहता है। हाँ चलो भैया नर्सरी बेड बनावे चल हियो, वहाँ बताइबो। ठीक है दीदी चलिए। हाँ भैया ये खेत में 3-4 बार जोतवा दिलिए खूब बढ़िया से, एकदम मट्टी पूरा अथी मुलायम करके बाके। अच्छा मिट्टी एकदम जोतवा दिलो मेहन करके। हाँ ओकर बाद 30 फीट लंबा। 30 फीट लंबा। हाँ ओकर बाद 5 फीट चौड़ा। 5 फीट चौड़ा। और 3 बेड क्यारी। 3 बेड 5-5 फीट के। हाँ अच्छा दीदी 3 बेड तो बनेल हो। हाँ। एकरा में कितना बीज लगता है? एकरा में भैया 1 किलो अंकुर बीज एकरा में लगा 16 कट्ठा के लिए। 16 कट्ठा के लिए 1 किलो बीज। 1 किलो बीज लगा। हाँ अंकुर बीज। अंकुर बीज। हाँ गढ़वा कौची ला बनेल हो दीदी? ये गढ़वा बने लिए है पटावे लगी भैया। अच्छा पटावे ला। हाँ पानी रहता है। हाँ पानी रहता है। ये 1.5 फीट के गड्ढा है भैया और 1.5 फीट के गड्ढा है ताकि कि एकरा पर पानी चढ़ नहीं सके। अच्छा ये 1.5 फीट के गड्ढा है। हाँ गड्ढा 1.5 फीट के कहला बनेल हुआ? यही ला बनेल है कि एकरा पर पानी नहीं चढ़ते। अच्छा एकरा पर ना पानी चढ़ती? ना। और आदि एरा पर पानी भी रहती तो एरा में पानी ढल के गिर जीती। अच्छा ज्यादा पानी होती तो एकरा में आ जीती। हाँ और कम पानी आती माली मोरी सूख रहले तो ये पानी आ ओकरा पर। जब मोरी हमरा सूख रहले है। हाँ। तो एरे सुपाच करके ओकरा पर देवल जा है। अच्छा ये गड्ढा वही ला बनावल गेले कि पानी ज्यादा हो जीती तो एकरा में आ जीता है। हाँ और कम पानी रहती तो एकरा सुपाच करके हाँ ओकरा पर देवल जीते। देखिए भैया बेड पर केचुआ खाद हम खाद भी डाला हो दीदी? हाँ खाद भी डाली है। केचुआ खाद क्यारी में डाला हो? हाँ देखिए भैया 1 किलो ये बीज है, इसको 3 भाग में बांटेंगे 3 बेड के लिए। अच्छा, तीनों क्यारी ला तीनों बेड ला अब 3 भाग में बना दे। हाँ 3 भाग में बांट रहे हैं इसको ताकि बराबर बराबर क्यारी में। अच्छा कम बेसी ना होवे? कम बेसी ना होवे, बराबर बराबर सही मात्रा में लगे। हाँ भैया यह बेड पर हम इसको गिरावे लगे जा रहा लिए भैया। अच्छा एकरा बेड में डालबू? हाँ ताकि ये मतलब बराबर जगह पर एक जगह जमा नहीं होना चाहिए बीज।
बराबर बराबर बीज छिटा। हाँ बराबर बराबर, कहीं थोका एक जगह ना होना चाहिए। थोका ना हो भी। हाँ मतलब एकदम सेम बराबर है। हाँ बराबर से सब क्यारी में टोटल में बेड में बराबर एकदम छीटा हो ना। हाँ एकदम बराबर होना चाहिए, कहीं पर ज्यादा घन्ना होती तब बेकार हो जाती। घन्ना हो जाती भैया तब बेकार हो जाती तो एरा पर। कबारों में दिक्कत, कबारे में ज्यादा जड़ी निकलता है, ऐसे कबारे में आसान होबा है। कबारे में आसान होती, जितना बढ़िया बराबर आती उतना फड़ा होती। हाँ जितना भी छेहर रहता है ना उतना कबारे में बढ़िया रहती, एकदम बढ़िया रहते। यही चारों पट्टी क्यारिये से गिराना है भैया। ऐसा ही ना चढ़ ना। हाँ चढ़बो तब दब दब ना जीतो। हाँ ऐसे दे दे चल जीबो ना तो आराम से भी छिटाल जीतो, अच्छा से भी तैयार भी हो जीतो। अच्छा तैयार होती। हाँ देखो भैया अब तो बीज हम छिट दिलिये बेड पर, अरेरा बच्चा। हाँ अब एक बचाव के लिए जो अंकुर है उकर बचाव के लिए हम एक निवारी से झाँप दी। अंकुरन है जकरा बचाव होती ना। हाँ उकर बचाव के लिए हम एक झाँप दी। देखो अभी पूरा में पानी देवल जीते। अच्छा पूरा क्यारी पटा देवो। हाँ आपकी पूरा क्यारी पटा देवल जी भैया। पूरा चारों तरफ बढ़िया से पट जाना चाहिए। पूरा में पानी जैसे कि छितरा जीते भैया। हाँ पूरा। हाँ पूरा में बीच में पूरा क्यारी पूरा बेड जो है पूरा बेड बेड भींग जीते एकदम पूरी बढ़िया से। हाँ पूरा बढ़िया से भींग जीते उसके बाद बंद कर देंगे। उसके बाद हम पानी के बंद कर देंगे। देखो भैया अब तो बेड में पानी हो गए। हाँ पानी हो गए। हाँ अब जब बेड में बीज पकड़ लेते मोरी तो एक रात दो रोज के बाद धीरे धीरे नेवारी के निकाल करके अलग हटा दीजिए। दो दिन के बाद नेवारी हटा दे। हाँ दो दिन के बाद हटा दिया एक ताकि अच्छा से ऐसा नहीं की बीजवा सही से खींच ले। बीज पकड़ लेते मिट्टी तब एक हटा दे। हाँ हटा दिया। नर्सरी बेडला तो सिखा दे दीदी। हाँ। किसान भैया दीदी के कुछ संदेशो देबो। हाँ भैया जरूर देंगे भैया। जनरल विधि जब हम धान रोपा हलिये तो हमरा एक एकड़ में छो पसेरी के जरूरत आवाले। अब हम श्री विधि से रोपी है तो उतना दो किलो धान में हमरा एक एकड़ जमीन अच्छा से हो जाए। ई विधि से कम मजदूरी और ज्यादा उपज आवा भैया हमरा। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जे हमरा नर्सरी बेड लगावे ला श्री विधि से सिखा देलू। और हम यहाँ से जब जेबे तो अपने क्षेत्र में भी श्री विधि के नर्सरी करबे। बस अच्छा भैया बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जाइएगा तो जरूर दीदी भैया को बताइएगा किसान भैया का। श्री विधि धनामा लगाई बैरामाया बरी समनामा चाची बिरो पाथिन भाऊजी बिरो पाथिन रो पे लैला थिन पहुना माय रामाया बरी समनामा हरो पे लैला थिन पहुना माय रामाया बरी समनामा एक एक भी जड़ा से साठ सत्तर कानिया आखे तवा में झूले
तवा में झूले लागल बलिया रामाया बरिया घनमा आ सोने मुठी हँसुआ बनाई बई रामा आ बरिया घनमा सोने मुठी हँसुआ बनाई बई रामाया बरी समा माँ काटे लगली धान के कटानिया रामा आ बरिया घनमा काटे लगली धान के कटानिया रामाया बरिया घनमा आ धान मा कटिए कटी खेरानी मेलावली धान मा कटिए कटी खेरानी मेलावली करे लगली धान के पिटानिया रामा आ बरिया घनमा करे लगली धान के पिटानिया रामा बरिया घनमा आ धनमा बेचिए बेची बेटी के पढ़ावली धनमा बेचिए बेची बेटी के पढ़ावली से हो बेटी भेलई न जीनी अरे रामा आ बरी सघनमा से हो बेटी भेलई न जीनी अरे रामा आ बरी अघनमा इंजीनियर बानी बेटी गाँवा में आवले इंजीनियर बानी बेटी गाँवा में आवले ए घर आंगन भे गेले उजाला रामा आ बरी अघनमा घर आंगन हो गे ले उजाला रामा आ बरी अघनमा सिरी विधि धान मा लगाई बई रामा आ बरी समान मा।